तुम उसे बर्बाद करने का सोच रहे थे, इसे किताब मिला है दूसरों को बर्बाद करने का। आ बैठ, घर चलते हैं। निजामुल भाई, क्या हो गया यार तुम्हें? तुम कुछ दिनों से बात ही नहीं कर रहे मुझसे अच्छे से। मेरे से किसी बात से नाराज हो गया? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तेरे से किस बात पे नाराज होऊंगा? कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो मेरा जवाब देते, ऐसे लगता कि मुझे कि तुम इग्नोर कर रहे हो। अरे भाई, वो दो हफ्ते बाद रेस है ना, तो उसी की टेंशन लगी रहती है, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ मैं। अरे टेंशन, तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम तो कहते थे रेस मैं ही जीतूंगा, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बात तो कुछ और है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अरे यार कोई बात नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी तेज आवाज में बात करने की? यार तू बार बार इरिटेट कर जा रहा है, जब कोई दिक्कत है नहीं तो क्या बताऊं तुझे मैं? इरिटेट मैं कर रहा हूं या तू कर रहा है मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ अभी और मारूंगा अगर अकड़ दिखाएगा तो। चल ऐसे कर, मेरे 5 लाख रुपए निकाल अभी के अभी। मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? अरे मेरे 5 लाख रुपए ही भूल गया? नहीं नहीं याद है मुझे, 4-5 दिन बाद ले लियो अपने पैसे। 4-5 दिन में पैसे ले लियो? मुझे आज के आज चाहिए अपने पैसे, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। जब तुझे पुलिस तोड़ेगी ना तब निकालेगा तो पैसे अच्छे से। नहीं नहीं तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे तेरे पैसे शाम को लौटा दूंगा। हाँ शाम तक पैसे मिल ही जाने चाहिए मुझे। और चलो निकल। यार फैजान, तुम और निजामुल तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तुम्हारी आपस में लड़ाई कैसे हो गई? हाँ निजामुल और मैं अच्छे दोस्त हैं तो सही, लेकिन ये वो मेरा दोस्त नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई आखिरकार मैं फाइनल रेस तक पहुंच ही गया, और देखियो ये फाइनल रेस मैं ही जीतूंगा। 1 महीने बाद रेस है और यार इंतजार ही नहीं हो रहा। भाई जीतो हो गया, आप भी जीते पड़े हो, 1 महीने बाद रेस है, इससे बड़े प्रैक्टिस कर लेते भी। और हाँ अगले साल से मैं भी रेस करूंगा, तो मुझे भी प्रैक्टिस कराओ। हाँ यार ये सही रहेगा जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये बता, जो हमें 5 करोड़ रुपए विनिंग प्राइज मिलेगा उसका क्या करना है? भाई अपना तो एक ही शौक है सुपर बाइक का, ZX NR लेनी है और एक हायाबुसा लेनी है। हाँ यार दोनों भाई सुपर बाइक लेंगे, तेरे पास निंजा 10R और मेरे पास हायाबुसा। हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा भाई चलो ट्रैक पर प्रैक्टिस कर लो। अरे भाई बस 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 यहीं रोक दो। अच्छा तुम ऐसे करो ट्रैक पर जाओ प्रैक्टिस करने, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। चल ठीक है। देखो भाई ये रेस बहुत जरूरी है और इसको हमें ही जीतना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बात है 5 करोड़ रुपए की, समझे? हाँ भाई। पर देखो यार चांस तो पूरे हैं कि निजामुल ही जीतेगा रेस। हाँ भाई ये बात तो सब जानते हैं, बट करना क्या है, मरवा दें उसे? नहीं नहीं उसको मरवाना नहीं है, उसको हरवाना है। अरे भाई हरवाने की तो भूल ही जाओ, अगर वो जिंदा रहा ना तो रेस तो वही जीतेगा। मैं कहता हूँ मरवा दो उसे, ना जिंदा रहेगा और ना रेस जीत पाएगा। यार तुम समझ नहीं रहे, उसको अगर मरवाया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरी इंडिया में बात फैल जाएगी उसको रेस किस से मारा गया। और सर किस पर जाएगा? उसी कॉम्पिटिटर्स पर। और वो कौन है? वो हम हैं। फिर तो ये मैटर इंटरनेशनल पहुँच जाएगा, उसके बाद रेस होगी ही नहीं, और रेस नहीं होगी तो पैसे हाथ से गए। ये आइडिया बकवास है। अच्छा फिर तू ही बता क्या आइडिया है तेरे पास? मेरे पास? मैं सिर्फ आइडिया सोचता नहीं हूँ, सीधा उस पर काम शुरू करता हूँ। अच्छा क्या काम कराया तुमने? देख जो निजामुल है ना उसका बनाया मैंने एक हमशक्ल, यानी कि मैंने सर्जरी कराई है एक बंदे के ऊपर, इससे वो उसके साथ दिखेगा। और मैं उसको ट्रेनिंग भी दिलवाई है उसकी आवाज़ की, उसके बिहेवियर की, उसकी बॉडी लैंग्वेज की, और इससे वो एकदम निजामुल ही लगेगा। उसको समझाया भी है मैंने
उसके फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, फैमिली के बारे में, यानी कि अब हमारे पास है डुप्लीकेट निजामुल का, जो कि हमारे लिए काम करेगा, जो हम बोलेंगे वही करेगा, और रेस भी हारेगा हमारे लिए। क्या बात है यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाई, अब तुम आगे सुनो। अभी जो निजामुल है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा ट्रैक पे, और मैंने किडनैपर्स भेज दिए जो कि नकली निजामुल को असली निजामुल से रिप्लेस कर देंगे। तो समझो भाई, जो नकली निजामुल है वो हमारे लिए काम करेगा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। सबके लिए तो वो असली है, लेकिन है तो नकली, यानी कि वो हमारे लिए रेस हारेगा, और रेस हारेगा तो प्राइस कौन जीतेगा? हम, यानी कि 5 करोड़ रुपए हम सबके। क्या बात है भाई, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। वैसे तो सकल से ही शरीफ लगता है कमी ना? हाँ यार, मैं हूँ सीधा, पर सकल से, वरना जो कमीनापन है मेरे खून खून में बसा हुआ है। अच्छा चलो, पैसे दो, 50 लाख रुपए अभी। 50 लाख? क्यों भाई? अरे भाई, जो सर्जरी हुई उसका खर्चा, जो ट्रेनिंग हुई उसका खर्चा, और उसकी फीस भी सब मिला के इतना ही हो रहा है। और भाई जो पैसे मिलेंगे वो भी देखो ना, पैसे मिलेंगे 5 करोड़ रुपए, तो हम भी तो बटेंगे। तो सोचना क्या यार, फटाफट निकालो। अच्छा चल, शाम को कर देंगे। हाँ यार, सवाल 5 करोड़ रुपए का है, कर देंगे। गुड, लो किडनैपर्स का फोन भी आ गया, अगर उन्होंने किडनैप कर लिया होगा। हाँ, काम हुआ क्या? हाँ हो गया है। शाबाश। अच्छा मैं उसको लोकेशन पे छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे और भी किडनैपिंग करनी है, तो तुम ऐसा करो फटाफट लोकेशन पे जाना। ठीक है, आते हैं। क्या बात है, बड़ी तेजी से काम किया। हाँ यार, चलो चलते हैं लोकेशन पे। फैजान, क्या सर्जरी कराई है, मानना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ आधे घंटे में। चल ठीक है। वाह, क्या कायर निकले तुम लोग। खुद रेस जीत नहीं सकते तो मुझे रेस से दूर कर रहे हो। देखना, ये सब करना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जब मेरे फैंस को ये पता चलेगा कि मैं रेस में ही नहीं हूँ, तो देखना पूरे इंडिया में क्या क्या बवाल मचेगा। और फिर तो तुम ये भूल ही जाओ कि कोई रेस होगी। किसने कहा कि हम भी रेस से दूर कर रहे हैं? रेस होगी, और इसमें निजामुल भी होगा, पर वो तू नहीं होगा। क्या क्या कह रहा है तू ये? मैं ये कह रहा हूँ कि रेस करेगा नकली निजामुल, लेकिन लोगों के लिए रेस हारेगा असली निजामुल। मतलब क्या है तेरा? समझाता हूँ, सबर कर। ये देख। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, रेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आपको यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लव यू ऑल। समझा? ये कौन है? ये स्टोरी तो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई नहीं है। अबे बेवकूफ, तो समझा नहीं क्या बीवी? मतलब कि निजामुल खान भी हमारा है, और तेरा इंस्टाग्राम वो भी हमारा। क्या? मैंने बनवाया है तेरा एक हूबहू हमशक्ल, सर्जी करा के उसको हमने दी ट्रेनिंग, तेरी आवाज़ की, तेरी बॉडी लैंग्वेज की, हर एक चीज हमने करवा दी एक कॉपी, जिससे कि वो लगेगा एकदम असली निजामुल खान। समझा? धोखेबाजो, एक बार मेरे हाथ खोल के दिखाओ, फिर देखना तुम्हें कैसा मजा चखाता हूँ। खोल देंगे, लेकिन रेस के होने के बाद और मेरे जीतने के बाद। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, तू यहीं पर रुक, यहीं भागना जाए। ये सही टाइम नहीं है निजामुल को बचाने का, कुछ प्लान करके काम करता हूँ। निजामुल भाई का फोन। हेलो भाई, आधा घंटा बोल के गया था, एक घंटा हो गया, जल्दी आना प्लीज। ठीक है भाई, आता हूँ। तुझे बड़ा शौक है ना असली निजामुल बनने का, अब देख तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। निजामुल भाई क्या हो गया? शिट यार, इसमें तो पेट्रोल खत्म हो गया, और यहाँ से पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर है। फैजान भाई धक्का लगा दे यार।
क्या भाई मैं धक्का लगा दूँ? भाई जब भी बाइक का पेट्रोल खत्म होता था ना, आप मुझसे बोलते थे तू बाइक बैठ और मैं धक्का लगाऊंगा, और आज आप मुझसे बोल रहे हो धक्का लगाने के लिए। भाई बदल रहे हो आप। नहीं नहीं भाई, मैं बदल नहीं रहा, पहले भी मैं ही धक्का लगाता था और आज भी मैं ही धक्का लगाऊंगा। आ तू आ गया, लगाओ निशान में धक्का। हाँ भाई। अरे निशान भाई, ये कर रहे हो आप? भाई चिकन खा रहा था मैं। आप क्यों चिकन खाने लगे भाई, आप तो छूते भी नहीं हो सब चीजें। भाई आप सच में बदल गए हो। अरे यार रेस की इतनी टेंशन है ना, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या करने लगा। भाई ये तो मैं तेरे लिए लेके आया था, आ जा ले खा। मेरे लिए तो फोन करना चाहिए ना ब्रो। अरे लाओ यार, तुम तो छोड़ ही नहीं रहे यार। निशान भाई जब भी आप खाना खाया करते थे ना, आप मिर्ची भी खाते थे साथ में, आज तो आप खाए नहीं थे। मिर्ची? मैं कब खाता था मिर्ची? भाई आप तो इतनी मिर्ची खाते थे कि साथ में मेरी मिर्ची भी खा लेते थे। भाई आप सच में बदल गए हो यार। वो रेस का बहुत प्रेशर है ना, इस चक्कर में माइंड से निकल गई थी यार। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया, अब खा लो। खाओ खाओ, देख रहे हो। तो ये सारी बात है क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। बहुत मजा चका दिया इसे, अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। बहुत ड्रामे हो गए इसके, अब देख मैं क्या करता हूँ। भाई उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब आप ही 5 लाख रुपए का जल्दी से इंतजाम करो। ठीक है भाई, ओके। फैजान क्या कर रहा है ये बता, तूने कितने पैसे लिए सब करने के? फैजान कैसी बात कर रहा है तू, क्या मतलब है तेरा? ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना जान जाएगा। मुझे ये सब पहले से पता था कि तू निजामुल का हमशक्ल है और ऐसा तू सर्जरी करा के बना है। तुझे ये सब कैसे पता चला? ये जानना तेरा काम नहीं है, जितना उसने पैसा दिया है ना मैं उससे डबल दूंगा तुझे, बस जो मैं बोलूंगा तुझे वो करना होगा। ठीक है, मैं तो पैसों का सगा हूँ, जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसके लिए काम करूंगा, बता क्या करना होगा। गुड, तो हमें सबसे पहले निजान भाई को बचाना होगा और उसके बाद एक एक्सपोज वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करनी होगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। लेट्स गो। ओए कोई होशियार मत दिखाइयो भागने की, मैं एक मिनट में आता हूँ एक नंबर करके। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो मैंने बांध के रखा था। मैं बताता हूँ। ओए तू इसको उठा के लेकर आ, मैं निजाम को जा रहा हूँ बचाने। निजाम भाई, निजाम भाई, फैजान तू आ गया भाई। हाँ आ गया भाई। भाई तुझे पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ? और तुझे पता है भाई जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना सचिन, उसने मेरा हमशक्ल बनाया है सर्जरी करवा के। हाँ भाई मुझे सब पता है। भाई तुझे कैसे पता? अरे बहुत भारी है यार ये, ले भाई ले आ इसे। भाई ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। हाँ भाई यही वो आपका हमशक्ल है। भाई बनाया अब एक्सपोज वीडियो। एक्सपोज वीडियो? कैसे एक्सपोज वीडियो? भाई उनकी एक्सपोज वीडियो बनानी है ताकि सभी लोगों को दिखा सकें कि सचिन ने आपका हमशक्ल बनाया था सर्जरी करवा के, और ताकि वो रेस जीत सके। क्या बात है यार, तूने बिल्कुल सही सोचा। एक काम कर, अब जल्दी से वीडियो बनाते हैं। हाँ भाई, अच्छा से ये क्वेश्चन करना कि तू टेंशन मत ले, मैं अपने आप क्वेश्चन कर लूंगा। ओ हमशक्ल यहाँ आकर बैठ, फैजान तू वीडियो बना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरा हमशक्ल बैठा है। आपको लग रहा होगा कि ये मेरा सगा भाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको मेरे कॉम्पिटिटर सचिन ने मेरा हमशक्ल बनाया सर्जरी करवाकर। बाकी के क्वेश्चन हम इनसे ही पूछते हैं, सचिन ने मेरा हमशक्ल क्यों बनवाया। हाँ तो मिस्टर नकली निजामुल खान, आप ये बताइए
कि सचिन ने आपको मेरे जैसा हमशक्ल क्यों बनवाया। सचिन ने मुझे 25 लाख रुपए दिए और 25 लाख रुपए में मेरी सर्जरी कराई जिससे कि मैं आपके जैसा दिख सकूं। ये सब उसने इसलिए किया जिससे कि मैं आपकी जगह रेस करूं और मैं रेस हार जाऊं और जो विनिंग प्राइज़ है वो सचिन को मिले 5 करोड़। बहुत बढ़िया भाई, बन गई वीडियो, इतना सबूत काफ़ी है। आओ चलो घर चलते हैं अपलोड करने। हाँ चल। अरे भाई सुनो तो, मेरे पैसे तो कभी देता हूँ। लो हो गया काम, चलो चलते हैं। अच्छा तो ये मुझे करेंगे एक्सपोज। भाई बड़ा सुकून मिल रहा है आजाद होकर। और यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो लोग इस हद तक गिर सकते हैं रेस जीतने के चक्कर में। भाई रेस जीतने के लिए नहीं, 5 करोड़ के लिए। हाँ हाँ भाई यार, चल अब जल्दी से ना उनकी एक्सपोज वीडियो सभी सोशल मीडिया पर डाल दे। हाँ भाई अभी करता हूँ। रॉन्ग पासवर्ड। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर हैग्ड। क्या ऐसे कैसे हो गया? गेट पे कौन है? तो रुक मैं देख के आता हूँ। पुलिस। हाँ पुलिस, तुझे अरेस्ट करने आए हैं। पर किस लिए? टीवी ऑन करके न्यूज में देख क्या कांड करा है तूने। न्यूज में? फैजान लगी न्यूज। इंडिया की जो बिगेस्ट रेस होने वाली थी उसके कैंडिडेट निजामुल खान बहुत बड़े फ्रॉड निकले। उन्होंने पूरे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आज तक जितनी भी रेस हुई है वो उन्होंने खुद नहीं जीती, उन्होंने अपना एक हमशक्ल बना रखा था जो उनकी जगह रेसेस करता था। आपको शायद से यकीन नहीं आ रहा होगा, खुद देखिए सबूत अपनी आंखों से। देख भाई मैंने तुझे आधे पैसे दे दिए हैं और आधे पैसे मैं तुझे रेस जीतने के बाद दूंगा। एक बात का खास ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चला कि मैंने तुझे हमशक्ल बनाया है सर्जरी करवा कर। और कैसे भी करके तू ये रेस जीत जा और उसके बाद जैसे ही 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ में आएंगे मैं तुझे उसमें से तेरे पूरे पैसे दे। सब कैसा हो गया? देख लिया तूने बाबा अपना असली चेहरा? चला अब शराबों के पीछे। जरूर भाई। मुझे एक्सपोज करने की सोच रहे थे, लो मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। तुम्हारा फोन हैक किया और वो जो वीडियो है मुझे एक्सपोज करने वाली उसे एडिट कर दिया और तुम्हें ही एक्सपोज कर दिया। तुम उसे बर्बाद करने का सोच रहे थे, इसे खिताब मिला है दूसरों को बर्बाद करने का। हेलो गाइस। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना दबा दो। गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज भाई के चैनल पे भी एक वीडियो आई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कैसी लगी बता दो। देखिए और सपोर्ट करिए। लव यू।